पिछले एक साल में जैसे जैसे मार्केट ऊपर गया है वैसे ही मार्केट के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला की वेल्थ भी बढ़ी है। कुछ दिन पहले हमने आपको राकेश झुनझुनवाला के इस फाइनेंशियल ईयर के थर्ड क्वार्टर के ट्रांजैक्शंस के बारे में बताया था और हम इनके पोर्टफोलियो के बारे में भी आपको बताते रहते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि वो टॉप 5 स्टॉक्स कौन से हैं जो कि मार्च के स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद सबसे ज्यादा बढ़े हैं। नंबर 5 पे है ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स में राकेश झुनझुनवाला का 4.75% का स्टेक है। मार्च के स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद इस स्टॉक का प्राइस 135.12% बढ़ा है। नंबर 4 पे है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये कंपनी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में एक लीडिंग प्लेयर है और इसमें राकेश झुनझुनवाला का 1.29% का स्टेक है। मार्च के स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद इसका शेयर प्राइस 287.12% बढ़ा है। नंबर 3 पे है टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स में राकेश झुनझुनवाला का स्टेक 1.29% का है। अप्रैल में इसका शेयर प्राइस 67 रुपीज तक गया था और मार्च 2020 से अभी तक इसका शेयर प्राइस 350.18% बढ़ चुका है। नंबर 2 पे है रियल एस्टेट कंपनी डीबी रियल्टी, जिसके अंदर राकेश झुनझुनवाला का 2.06% का स्टेक है और मार्च से अभी तक इसका शेयर प्राइस 360.40% बढ़ चुका है। नंबर 1 पे है एनसीसी लिमिटेड और इसके अंदर राकेश झुनझुनवाला का स्टेक है 12.84% का। मार्च में कोविड-19 की वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद इसका शेयर प्राइस 17 रुपये तक नीचे आ गया था और तब से ये 365.80% बढ़कर अभी 87 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। तो ये थे राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो के टॉप 5 परफॉर्मिंग स्टॉक्स। मार्केट्स के बारे में ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स देखते रहने के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.